अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डबल मॉनिटर का सेटअप कैसे कर सकते हैं और कैसे डबल मॉनिटर पे आप काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैं काम कैसे करता हूं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बैठा होता हूँ इस वाली चेयर पे और ये है मेरे पास डबल मॉनिटर जिस पे बैठकर मैं काम करता हूँ। और यहाँ पर बहुत ही इजी होता है जब आपके पास डबल मॉनिटर होता है और डबल मॉनिटर पर बैठकर आप काम करें। यहाँ पे ये पीसी है मेरे पास, तो डबल मॉनिटर को मैंने कैसे कनेक्ट किया है और कैसे इसकी आप EDS में या फिर Adobe Premiere पर सेटिंग कर सकते हैं और कैसे आपने वायर लगानी है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, डबल मॉनिटर लगाने के बाद आपकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है काम करने में, क्योंकि आपको सारी चीज़ें हैं जो वो डिटेल में नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर मैं जब भी किसी चीज़ का कलर बैलेंस करता हूँ तो उसको अच्छे से देखने के लिए मुझे एक बड़ा व्यू चाहिए हो ताकि मैं सारी चीज़ों को डिटेल में देख सकूँ, तो मैं फिर डबल मॉनिटर का इस्तेमाल करता हूँ। एक मॉनिटर पे मेरी टाइमलाइन वर्क करती है, बिन वर्क करती है, अफेक्ट पैनल वर्क करता है और दूसरा जो मेरा डिस्प्ले है उस पर मैं अपना डिस्प्ले लेता हूँ वीडियो का, ठीक है। अगर जब मैं EDS पे काम करता हूँ तब भी, और जब मैं काम करता हूँ Adobe Premiere पे तब भी मैं डबल स्क्रीन ही इस्तेमाल करता हूँ। मैं तकरीबन 2012 या फिर 2011 से डबल स्क्रीन यूज़र हूँ, तो सिंगल स्क्रीन पे मुझसे काम होता ही नहीं। जब भी मैं सिंगल स्क्रीन पे बैठता हूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी और लिमिटेड मुझे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो डबल स्क्रीन पे मेरी परफॉर्मेंस है जो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और बात करते हैं कि डबल स्क्रीन को आप कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक ग्राफिक कार्ड का होना ज़रूरी है, चाहे वो छोटा से छोटा हो या फिर बड़ा से बड़ा हो। अगर मैं आपको बता दूँ तो यह मेरे पास एक बहुत ही ओल्ड ग्राफिक कार्ड है क्वाड्रो का। फोकस ओके, क्वाड्रो का, क्वाड्रो आई थिंक 570 है ये, 570 बिल्कुल, 570 FX, ठीक है क्वाड्रो। तो इस पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डबल डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। फोकस ओके जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको डबल कनेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप डबल वायर लगाकर सिंपल एक डबल व्यू डिस्प्ले ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास अभी जो इस टाइम मेरे पीसी में ग्राफिक कार्ड चल रहा है वो है 750 Ti, तो उस पर भी ये वाली जो पोर्ट्स हैं, ये चार पोर्ट्स हैं, अभी मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पर भी आप इस वाले को 3 LCDs लगा सकते हैं, 3 स्पोर्टेड हैं, 3 मेरे पास हैं, तो मैंने चेक किया, आई थिंक शायद 4 डिस्प्ले वन टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो 750 था, सॉरी 1060 था, उस पर मैंने 4 मॉनिटर हैं जो वो आउटपुट ली थी, तो वहाँ पे 4 मॉनिटर्स की आउटपुट आपको मिल जाती है। आप एक टाइम पे 4 मॉनिटर हैं जो वो एक पीसी पे यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ग्राफिक कार्ड पे डिपेंड करता है। अगर उसकी आउटपुट में 6 पॉइंट हैं या फिर 8 पॉइंट हैं तो आप उतने मॉनिटर अपने एक पीसी पे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि आपके पास ग्राफिक कार्ड का होना ज़रूरी है, उसके बाद आपके पास डबल मॉनिटर होना ज़रूरी है, इसके बाद आप उसको कनेक्ट करेंगे। सिंपल आप अपनी विंडो करें, विंडो इंस्टॉलेशन करने के बाद जो भी आपका ग्राफिक कार्ड है उसको लगाएं, उसको लगाने के बाद उसका ड्राइवर करें। जैसे ही आप ड्राइवर करेंगे तो ड्राइवर करने के बाद आपका जो डबल डिस्प्ले है वो एक्टिव हो जाएगा। डबल डिस्प्ले होने के बाद आप सिंपल आ जाएं अपने यहाँ पर। अगर आप देखें तो मेरे पास 2 मॉनिटर हैं इस वक्त, लेफ्ट और राइट, और मेरा जो लेफ्ट साइड वाला मॉनिटर है वो मास्टर मॉनिटर है और जो राइट साइड वाला है वो सेकंड मॉनिटर है, ठीक है। आपको उल्ट नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं वीडियो में जरा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास ये वाला जो मॉनिटर है ये मेरे पास लेफ्ट मॉनिटर है और ये वाला जो मॉनिटर है ये राइट मॉनिटर है। अब लेफ्ट मॉनिटर है जो मेरे पास, ये मास्टर है, यहाँ पर आपको सभी आइकन नज़र आ रहे होंगे। और अगर मैं आपको बताऊँ अपना सेकंड मॉनिटर, तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा सिवाय यहाँ पे एक स्टार्ट बटन के, ठीक है, स्टार्ट बटन और यहाँ पर ये जो नीचे वाली पट्टी होती है ये, और टाइम डेट और आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप उनको यहाँ पर सिंपल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मैं इसको सिंपल यहाँ से इस साइड पर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये दूसरे मॉनिटर पर
पर आ रही है और यहाँ से इस साइड पर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये दूसरे मीटर पर जा रही है। अगर आपके मीटर की सेटिंग भी चेंज हो सकती है, मतलब डिस्प्ले पर जाएं, डिस्प्ले पर जाने पर देखें ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 1 है। बेसिकली इसको ऐसे आना चाहिए ये वाला, ठीक है। इसको मैं अभी अप्लाई करने वाला हूँ, तो जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो आप देखें तो ये वाला जो मीटर है ये हमारा माउस का कर्सल है जो ये दूसरी साइड से इधर आ रहा है, यहाँ से क्रॉस नहीं हो रहा अब। तो इसलिए ये मेरा फर्स्ट मीटर है पीछे से और ये मेरा सेकंड मीटर है, लेकिन यहां पर मैंने इसकी सेटिंग चेंज की हुई है। ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। वो कैसे? सिंपली आप यहां से फर्स्ट को पकड़कर इधर आप ले आए इस साइड पे, ये सिंपल, और इसको अप्लाई कर दें और ये आपकी सेटिंग है जो वो ओके हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग कि आप डबल डिस्प्ले कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं ऊपर। अब उसका टाइटल मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सा टाइटल उसका रखा था, लेकिन मैं अभी EDS ओपन हो जाए तो ओपन ओपन ओके प्रोजेक्ट लेने के बाद ओके ओके जी। तो यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास सिंगल मीटर है जो उस पे ही हमारी वीडियो है जो वो डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ पर हमारे पास अभी मैं YouTube अपना जो चैनल है उसको एनालिटिक, बल्कि इसको मैं बंद कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने अपने EDS की सेटिंग करनी है। वो वीडियोस था जी, वीडियो आपको बता दूँ विंडो लेआउट पर, अगर आपने वो वाला वीडियो वॉच नहीं किया तो वो वॉच करें, आपको डबल स्क्रीन मोनीटर बनाने का जो आइडिया है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर कोई वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो डेस्कटॉप जी, डेस्कटॉप यही वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैंने टाइमलाइन पे रख लिया। टाइमलाइन पर रखने के बाद इसकी ऑडियो को मैंने म्यूट कर लिया है, और म्यूट करने के बाद अगर मैं अपना जो व्यू है, व्यू पर आने के बाद अगर आप देखें तो हमारा जो माउस है उसका कर्सल है जो वो चेंज हो रहा है और यहाँ पर माउस का कर्सल ओरिजिनल नज़र आ रहा है। तो सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे दोनों मॉनिटर्स हैं जो उन पर वीडियो का जो व्यू है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और मैं अगर सिंपल इसको यहाँ पर पुश करता हूं तो एक LCDs पे मेरा डबल बिग व्यू है, बड़ा व्यू है, और दूसरी जो मॉनिटर है उस पर हमारा सिंपल छोटा व्यू आ चुका है। अगर मैं फिर से इसको क्लिक करता हूं तो हमारा जो व्यू है वो बिल्कुल कंप्लीट फाइनल एक ही LCD पे आ जाता है, फिर डबल, फिर दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अपनी टाइमलाइन वगैरह सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे फुल डिस्प्ले नज़र आएगा। तो ये सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल आप यहाँ पर आ जाएं अपनी सेटिंग में आने के बाद यूज़र सेटिंग में आने के बाद प्रीव्यू में आने के बाद मोनीटर में आने के बाद यहाँ पर ये हैं जी दो मोनीटर। जितने भी मोनीटर आपके पास एक्टिव होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अगर आपके पास 3 मोनीटर होंगे, 4 मोनीटर होंगे, 5 मोनीटर होंगे, जितने भी आप मोनीटर यूज़ कर रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो मैंने दोनों को यहां पे ऑटो किया हुआ है। अगर मैं यहां पे ये मेरा सेकंड मॉनिटर है तो इसको मैं यहां से कर देता हूं जी नो फुल स्क्रीन प्रीव्यू, ठीक है। तो ये कभी भी उस पे फुल स्क्रीन प्रीव्यू नहीं देगा, ठीक है। प्लेयर मल्टी सोर्स इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। रिकॉर्डिंग सिलेक्टेड कैमरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें, कैमरे पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो हमें चाहिए जी ऑटो, जो भी काम करें वो सिंपल हम डबल क्लिक करें तो वो ये खुद बहुत एडजस्टमेंट कर लेगा। अगर मैं सिंपल यहां से इसको नो प्रीव्यू करके अप्लाई सेव कर देता हूं तो हमारा प्रीव्यू है जो वो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये इसी LCD पे डबल बिग प्रीव्यू देगा वरना नहीं देगा। तो मुझे प्रीव्यू चाहिए इस पर, तो यहाँ पर हम अपनी सेटिंग को कर लेंगे चेंज, यूज़र सेटिंग। और यहाँ पर अगर इसको हम नो प्रीव्यू कर दें और इसको हम कर दें जी ऑटो अप्लाई करूँ, तो अब सिंपल डबल क्लिक करने से सिर्फ हमारी जो सेकंड मॉनिटर है उस पर हमारा प्रीव्यू आएगा, फर्स्ट मॉनिटर पर हमारा प्रीव्यू है जो वो डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन मैंने दोनों पे रखा होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं कोई क्लास बनाता हूँ तो जिसमें मुझे फुल प्रीव्यू करके आपको दिखाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने दोनों मॉनिटर्स को ऑटो किया हुआ है। ये थी EDS ग्रास वैली की सेटिंग्स, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं Adobe की तरफ, तो इसको हम बंद कर दें जी। ओके जी, तो एक न्यू प्रोजेक्ट लेने वाला हूं मैं, इसको ओके किया मैंने, यस किया, यस करने के बाद यहां पे वेट करना होगा ताकि हमारा Adobe प्रीमियर ओपन हो जाए। मैं अक्सर भूल जाता हूं, असल में मैं भी आजकल कंफ्यूज हूं, दोनों पे वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। अक्सर Adobe की जगह पे मैं EDS बोल जाता हूं, EDS की जगह पे Adobe प्रीमियर बोल जाता हूं। चलें कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सामने है। तो यहां पे सिंपल एक वीडियो हम ले लेंगे फिर से, कोई भी एक वीडियो, यही वीडियो उठा लेते हैं।
इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये मेरे पास मॉनिटर है जो ये डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये वाला प्रीव्यू मेरा इधर आ जाए। तो मैं सिंपल इन थ्री डॉट्स पे आऊँगा और इसको अनलॉक पैनल करूँगा और इसको इस वाली स्क्रीन पर ले आऊँगा, ठीक है। इस वाली स्क्रीन पर लाने के बाद इसको यहाँ से बड़ा व्यू कर लूँगा। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं सिंबल पर जाता हूँ तो हमारा प्रीव्यू हमें यहीं देखने को मिलेगा जहाँ पर पहले था, ठीक है। ये देखें तो प्रीव्यू हमारा यहीं पे है जहाँ पर मैं पहले था, ठीक है। अगर मैं जैसे ही एडिटिंग पर आऊँगा तो हमारा डबल प्रीव्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप डबल मॉनिटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ में ले सकते हैं और कैसे आप अपने EDS और Adobe Premiere की जो सेटिंग है उसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करेंगे। आप बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करने में। मैं देखता हूं कि वीडियो पर 2000 व्यूज़, 2500 व्यूज़, 1500 व्यूज़ और लाइक सिर्फ 100-200, ज़्यादती है यार, ठोक दो तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा लो ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।